पशुपत व्रत रखना चाहेंगे। प्रभु, इस व्रत के साथ हमारी बहुत सारी मधुर स्मृतियां जुड़ी हुई है। प्रभु, आपको याद है जब आपने भी हमारे साथ व्रत रखा था? हमें तो ज्ञात ही नहीं हुआ कि उस व्रत के निर्धारित दिवस समाप्त हो चुके हैं और हमने व्रत ही नहीं तोड़ा। और प्रभु, याद है जब मेरे पिताजी कैलाश पर आए थे, उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं व्रत रखूं, किंतु आपने उन्हें समझाया था। और प्रभु, क्षमा करें प्रभु, मैं भी कहा इन बातों में आपका समय व्यर्थ कर रहा हूं। उस युग में आपके पास इन सारी बातों के लिए समय था, आपकी व्यस्तता कम थी। प्रभु, यदि आप आदेश दें तो मैं हिमालय पर्वत से स्वयं जाकर इस व्रत के आरंभ हेतु कुछ विशेष पुष्प लाना चाहता हूँ। मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा प्रभु, अब बस आप आदेश दें। अवश्य नंदी। प्रभु ने मुझे आदेश दे दिया है, अब तो मैं पुष्प लेकर ही लौटूंगा। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम कालातीत है नंदी, मैं तो सदा तुम्हारे साथ रहा और सदैव रहूंगा। स्वामी, आप तो व्यर्थ ही हमें अंधक से मिलने के लिए रोक रहे हैं, माना कि उसमें अंधकार भरा हुआ है। स्वामी, यदि किसी कक्ष में वर्षों से अंधकार हो, तब भी तो प्रकाश की एक किरण उस अंधकार को दूर कर देती। स्वामी, हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं। आज उससे मिले, हमें पहली बार उसकी पीड़ा का बोध हो रहा है, और कदाचित यही पीड़ा उसके अंधकार का कारण भी है। आज का दिन बड़ा बड़ा शुभ रहा। तुम्हारा उद्धार होगा, ये चयन भी तुम्हें ही करना है।